एवरीवन, वेलकम बैक माय ब्यूटी स्टूडियो। सो आज दी वीडियो विच मैं लेके आई हां एक बहुत ही ब्यूटीफुल एंड बेसिक जा मेकअप। इस नु करना बहुत ही आसान है, बस कुछ बेसिक जे स्टेप नु फॉलो करना है ते तुसी भी क्रिएट कर सकते हो एदा दा ब्यूटीफुल मेकअप जो तुहानू बहुत ही पसंद आएगा। सो स्पेशली फॉर बिगनर्स गर्ल्स लई, मेरी फ्रेंड्स लई जिन्हां दी हजे मेकअप विच स्टार्टिंग आ जां हजे मेकअप नहीं करना आंदा गा, सो मैनू लगता कि शायद उन्होंने इस वीडियो तो काफ़ी हद तक मदद मिल सकती है। सो इस तरह ही आप अपनी अज की वीडियो स्टार्ट करते हैं अज का मेकअप। फर्स्ट स्टैप, तुसी अपने फेस न फेशियल वाइप्स नाल क्लीन कर लेना है। मैं इतने बेबी डब का वाइप्स यूज कर रही हूँ। सेकेंड, मैं इतने एल्प्स गुडनेस का रोज टोनर यूज कर रही हूँ। फिर मैं क्लीनिक दी क्रीम यूज कर रही हूँ। ऑयली स्किन होवे चाहे ड्राई स्किन होवे, कोई भी स्किन होवे, मेकअप तो पहला स्किन नो मॉइस्चराइजर करना बहुत जरूरी है। इस तरह थोड़ा मेकअप बहुत ज़्यादा वधिया होएगा। नेक्स्ट मैं कीको मिलानो का फेस प्राइमर यूज कर रही हूँ। इसनों तुसी अपने फुल फेस ते नैक ते अप्लाई कर लेना है। प्राइमर दे 2 मिनट तो बाद तुसी फाउंडेशन यूज करना है। फाउंडेशन यूज कर रही हूँ मैं रेवलोन कलर स्टे दा शेड नंबर 220। सब तो पहला मेकअप नूं तुसी डॉट करके पूरे फेस ते नैक ते अप्लाई करना है। मैं फाउंडेशन ब्लेंड करने लिए निक्स प्रोफेशनल दा ब्रश यूज कर रही हूँ। तुसी चाहो तां ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज कर सकते हो। फाउंडेशन नू तुसी प्रॉपर ब्लेंड करना है। हुण आपां लगावांगे मेबिलीन दा कंसीलर। इसनों अप्लाई करांगे आपां अपने अंडर आईज ते। हुण फाउंडेशन ब्रश नाल ही तुसी कंसीलर नू बहुत वधिया ब्लेंड कर लेना है। फेस कटिंग लिए आपां यूज करांगे पिंक डक लंडन दा कंटोरिंग पाउडर। यह नॉर्मल मेकअप है, सो ज़्यादा फेस कंटोरिंग नहीं करांगी, बस हल्का जा एक टचअप ही दवांगी तां जो इस वीडियो विच मेरा फेस ज़्यादा मोटा ना दिखाई दवे। हुण आपां यूज करांगे ब्लश। ब्लश करते हुए आप थोड़ा जहा मुस्कुराना है, जो अपनी जिहड़ियां चीक्स ने वो ब्लश करना। नैक्सट आप यूज करांगे हाईलाइटर। हाईलाइटर मैं इत्थे वेट एंड वाइल्ड का यूज कर रही हूँ। ब्लश तो थोड़ा उपर आप हाईलाइटर यूज करना वा, जो अपना हाईलाइटर एरिया हुंदा वा। नोज ते भी लगा सकते हैं, फोरहेड ते भी लगा सकते हैं, एंड नैक ते भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट यूज कर रही हूँ लॉरियल दा फेस पाउडर शेड नंबर 160। मेरी स्किन ड्राई आ, सो मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करांगी कि जिन्हां दी ड्राई स्किन ना वो फेस पाउडर यूज कर, तो लाइट जा आप टचअप दे सकते हैं। तो नेक्स्ट मैं कोकोनट दी लिप बाम लगा रही हूँ। उस तो बाद आप सैट करांगे अपनी आईब्रो। आईब्रो दे लिए मैं डार्क ब्राउन यूज कर रही हूँ। आईब्रो ते जे ज़्यादा टाइम लगे तो ज़्यादा टाइम लगा के तुसी बहुत वधिया तरीके नाल आईब्रोज तैयार करनिया ने, क्योंकि मेकअप दे विच अपना आईज मेकअप एंड विद आईब्रो अपनी बहुत अट्रैक्टिव हुंदियां ने। सो इस करके पूरी रीज नाल अपनी आईब्रो नू सैट करना है। हुण आपां स्टार्ट करांगे अपना आई मेकअप, जिसके लिए मैं इत्थे वाइनी कोसमेटिक आई शैडो पैलेट यूज कर रही हूँ। ये मैनूं बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि इस विच बहुत सिलेक्टेड जे कलर ने। सब तो पहला आपां यूज करांगे ब्लैक कलर। आईज़ नूं क्लोज करोगे तुसी देखोगे कि एक तुहानूं गाइडलाइन नज़र आ रही होएगी, जिस दे उपर तुसी ब्लैक शैडो अप्लाई करना वा। फिर तुसी ब्ल्यू कलर लेना है। ब्ल्यू कलर नूं जिथे आपां ब्लैक शैडो क्रिएट कीती आ उस तो तुसी नीचे वाला जिहड़ा एरिया वा उत्थे तुसी ब्ल्यू कलर अप्लाई करना है।
आईज़ मेकअप करना मैनू तो बहुत ज़्यादा पसंद आ। सो मैनू कॉमेंट करके जरूर दस्यो कि आईज़ मेकअप करना किनू किनू पसंद आ। हुण तुसी एक आईज़ फ्लफी ब्रश लेना है, ब्लू कलर नू उपरों तुसी ब्लैक शैडो लेयर नाल मिक्स कर देना है तां जो दोनों कलर दी अलग अलग लेयर नज़र ना आवे। इस तरह ही तुसी दूसरी आईज़ ते भी इस तरह मेकअप करना है। दोनों आईज़ ते मेकअप हो गया है। हुण अपनी आईज़ दी जो लिड एरिया वा उत्थे तुसी थोड़ा जिहा हाईलाइटर कोर्नर ते लगाना है। थोड़ा जिहा हाईलाइटर तुसी आईब्रोज़ दे नीचे भी लगा सकते हो क्योंकि वो आईज़ दा एक हाईलाइट एरिया हुंदा वा। माफ़ी चाहनी हाँ कि किसी कारण करके आईलाइनर दी जो क्लिप सी वो कट हो गई आ। आईलाइनर तो बाद तुसी मस्कारा यूज़ करना है। मस्कारा इत्थे मीओन चार्मिंग वाटरप्रूफ मस्कारा यूज़ कर रही हूँ मैं। इत्थे कोशिश करिया करो कि तुहाडा आईलाइनर ते मस्कारा वाटरप्रूफ होण। लोअर आईलैशेस ते तुसी मस्कारा लगाना नहीं भुलना। फिर लगावांगे आपां कज्जल। कज्जल इत्थे मैं कीको मिलानो दा यूज़ कर रही हाँ। इसनों आपां 2-in-1 कह सकते हैं क्योंकि यह एक आईलाइनर दी तौर ते भी इसनों आपां यूज़ कर सकते हैं एंड कज्जल दी तरह भी। नेक्स्ट आपां लगावांगे लिप लाइनर। लिपस्टिक मैं इत्थे यूज़ कर रही हाँ कीको मिलानो दी शेड नंबर 431। मैनू इहदा इह वाला कलर बहुत ज़्यादा वधिया लगता है। चलो जी मेकअप अपना डन हो गया है। सो लास्ट विच बचदा है आईलैशेज़ लगाने। वो तुहाडी मर्जी आ, जे तुसी लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, अदरवाइज़ ना लगाओ। मैं इस बारे दसना चाहनी हाँ कि जे तुसी आईलैशेज़ लगा रहे हो तां इसकी जिहड़ी ग्लू हुंदी है, ग्लू लगा के आईलैशेज़ दे उपर इहनू 30 सैकेंड लई वेट ते रखना पैंदा वा। उस तों बाद तुसी इसनू यूज़ करना हुंदा है। जे गिल्ला ही आपां आईलैशेज़ इदां लगा लैंदे आ ते वो स्टे नहीं रहिंदे, उहदे नाल अपना आईज़ मेकअप भी खराब हो सकदा है। सो बी केयरफुली। आईलैशेज़ लगाउण तों बाद तुसी इसदा एक आईलैशेज़ करल आंदा वा, उस दे नाल तुसी इसनू सैट कर सकते हो तां जो जिहड़े आपां आईलैशेज़ लगाए ने वो अपनी ओरिजिनल आईलैशेज़ दे नाल मिक्स हो जाण। सो ये जरूरी है। थोड़ा जिहा टचअप तुसी दे सकते हो मस्कारा दा। फिर तुसी मेकअप नू कुछ घंटियां लई फिक्स करन लई फिक्सिंग स्प्रे यूज़ करोंगे। मैं इत्थे रेवोल्यूशन दी फिक्सिंग स्प्रे यूज़ कर रही हाँ। लो जी अज दा मेकअप दी वीडियो अपनी कंप्लीट हुंदी इस तरह। आई होप कि तुहानूं अज दी वीडियो बहुत चंगी लगी होवेगी। जे तुहानूं अज दी वीडियो पसंद आई तां मेरे चैनल नूं सबसक्राइब लाइक शेयर जरूर करियो। ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਲਾਈਕ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹਾਂਗੀ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੇਕਅਪ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਏ ਬਾਏ।